हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे अब 11th से 12th में आ चुके हैं आप, और 12th में जो आपको सिलेबस करना है वो 11th में तो क्या है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो कुछ बच्चों ने अच्छे से पढ़े हैं और कुछ बच्चों ने नहीं पढ़े। तो क्या सर, अगर हमारी 11th थोड़ी सी वीक है तो क्या हम 12th में अच्छे से पढ़ पाएंगे? बिल्कुल आप पढ़ पाओगे, जहाँ पे भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात आएगी तो वहाँ वहाँ पे आपको 12th में भी हम बहुत पोर्शन कवर करवा देंगे, है ना। मतलब एक एक चीज़ पे अच्छे से फोकस करके अपन चलेंगे, राइट। तो आज से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है अकाउंट्स का, जो ये रेगुलर बैच रहेगा आपका। और इस रेगुलर बैच में आपके हर एक चीज़ को इन डिटेल आपको समझाया जाएगा। मतलब क्या होगा कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस जो हैं, आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उनकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जब आपकी एक कॉन्सेप्ट पे कमांड आ जाएगी, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करेंगे, राइट। और जैसे ही हमारा कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, और उस टेस्ट में आपको हर एक पोर्शन का, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा उस टेस्ट में, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि अपनी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ऑनलाइन में किस तरह से क्या चीज़ होगी? तो सर बेटा ऑनलाइन में क्या है कि आपको क्या करना है, आपको PDF मिलेगी, उसके बेस पे आपको एग्जैक्ट टाइमिंग हम बताएंगे, तो उस टाइमिंग पे ही आपको वो टेस्ट देना है, राइट। और फिर आपको पूरी ईमानदारी के साथ वो अटेम्प्ट करना है, और उसको फिर आपको क्या करना है, स्कैन करके आप हमको मेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमको शेयर कर दो, तो फिर मैं खुद उसकी इवेल्युएशन करके आपको अपने जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि हम आपको ये बताएंगे कि आपकी कहाँ पे इसमें गलती है और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सिलेबस को लेके चलेंगे, राइट। तो अब इसमें मेन चीज़ ये है कि सर जो पार्ट अपना जो 12th का जो अकाउंट्स है उसमें ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितने टाइम में कम्प्लीट हो जाएगा कोर्स? तो बेटा देखो, इसमें जो अमूमन टाइम लगता है ना आपका, वो लगता है 3 to 4 months, राइट। 3 से 4 महीने के अराउंड ये टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इन डेप्थ हम पढ़ने वाले एक एक कॉन्सेप्ट को। और उसके बाद अगर इसमें सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो आपको क्या होगी, अवेलेबल हो जाएगी यहीं पे अपनी ऐप पे, राइट। यानी कि अगर आप जो भी क्लास अगर आप मिस कर देते हैं किसी दिन, तो वो भी आप रिकॉर्डेड मोड में आप उसको देख पाओगे। और अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं आपको दिक्कत आती है बाद में, जब भी आप रिवीजन करोगे, जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी अगर आप रिवीजन करोगे और उसमें अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो उसमें भी आप उसको रेफर कर सकते हो। यानी कि जो रिकॉर्डिंग्स है ना बेटा, वो आपको अवेलेबल रहेगी टिल बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि आपके जब तक बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब तक आपकी रिकॉर्डिंग जो है आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो आपको इस चीज़ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी कि सर अगर कोई कॉन्सेप्ट हमारे दिक्कत आ गई तो हम क्या करेंगे। बेटा उसको आप वापस से कितनी भी बार देख सकते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस का ये सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि आप क्लासेस को मन चाहे जितनी बार भी रिपीट मोड में उसको देख सकते हो, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में ये फीचर आपके पास अवेलेबल नहीं होता। इनकेस अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है या आपको समझ में नहीं आता, तो आपको फिर उस कॉन्सेप्ट में हमेशा के लिए लैकिंग रह जाती है, राइट। तो ये अपने ऑनलाइन क्लासेस में ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये सब मेन डिस्कशन है, बेसिक सा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे इस कोर्स में, है ना। इसी के साथ हम आगे इस कोर्स में बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस सिलेबस में, कि अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो किस तरह से डिवाइडेड है और किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। तो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और फुल स्क्रीन पे आपको फिर शो करता हूँ कि कैसे कैसे अपन आगे प्रोसीड करने वाले हैं। नाउ
अब यहाँ से अपना जो मेन कंटेंट है अपन वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपका जो सिलेबस है अकाउंट्स का वो किस तरह से डिवाइडेड है वो अपन यहाँ पे एक बार देखेंगे। तो देखो मेनली यहाँ पे हमने लिखा है 12th CBSE। तो क्या जो सर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं हम बच्चे नहीं पढ़ सकते इसको? नहीं बेटा, आप भी रेफ़र कर सकते हो, बस स्टेट बोर्ड में कुछ चैप्टर ऊपर नीचे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है ये स्पेशली CBSE पैटर्न पर किया है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा CBSE। तो अगर आप स्टेट बोर्ड से भी हो तो भी इसको आप रेफ़र कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हमारी लेटेस्ट जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जो अपने 24 में जाके हमारे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको डिजाइन किया है, यानी कि इसमें CBSE के जितने भी लेटेस्ट सर्कुलर हैं और जो भी कोर्स उन्होंने नोटिफाई किया है, जो भी सिलेबस हमारा है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसमें आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे देखना है कि अकाउंट्स जो आपका सब्जेक्ट है इसमें मेन मार्क्स का वेटेज क्या है, क्योंकि जब भी हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स कवर करता है, ताकि हम अपनी जो स्टडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएँ। तो इसमें हमको मार्क्स का वेटेज हमको देखना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर आपकी तीन यूनिट है मेन, पहला है आपका पार्टनरशिप फॉर्म, सेकंड है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और तीसरा है बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीन चीज़ें आप देखोगे तो इसमें जो पार्टनरशिप है बेटा वो है आपकी 36 मार्क्स की, और जो आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है ये आपकी है 24 मार्क्स के लिए, और फिर आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है आपका 20 मार्क्स के लिए। तो आप यहाँ पे एकदम क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपना कौन सा बेटा, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, राइट। तो सबसे पहला हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ताकि अपने 36 मार्क्स जो हैं हमारे एकदम अच्छे से कवर हो जाए। तो एग्जाम हमारा कितने का आता है बेटा, टोटल 80 मार्क्स का, आउट ऑफ 80 36 आपकी कवर करती है पार्टनरशिप फर्म, 24 कंपनी और लास्ट का जो बैलेंस 20 मार्क्स है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह से आपका एग्जाम का टोटल 80 मार्क्स का कवर हो जाएगा, और प्रोजेक्ट वर्क के आपको 20 मार्क्स स्कूल से ही होता है, वो इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मार्क्स का वेटेज देख लिया ताकि हमको पढ़ने में ईजी रहे, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, राइट। अब आगे देखिए आप, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 0 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सर चैप्टर नंबर 0 तो कुछ हमने सुना ही नहीं। हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 0 जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस इसको वैसे ही नाम दे दिया हमने, क्योंकि इस चैप्टर में हम इंटरलिंकिंग करेंगे, थोड़ा सा इंटरलिंकेज करेंगे आपने जो 11th में पढ़ा उसको और जो आप 12th में पढ़ने वाले हो उसको, ताकि आपका एक इंटरकनेक्टेड जब होंगी चीज़ें तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। इसीलिए आपको इस चैप्टर में हमने इसका नाम दे दिया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ये चैप्टर और कुछ नहीं करेगा, आपको 11th से और 12th में आपस में कनेक्ट कर देगा कि हमने 11th में ये पढ़ा था तो उसके आगे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। जैसे कोई भी मूवी आती है, सपोज अभी जैसे बाहुबली आई, तो बाहुबली 1 आई और फिर उसके बाद 2 आई, तो अगर आपने 2 डायरेक्ट देख ली तो ऐसा थोड़ी है आपको समझ में नहीं आएगी, आएगी वो भी, लेकिन अगर जिसने 1 देखी है फिर उसके बाद वो 2 देखेगा तो उसमें इंटरलिंकेज बनेगी और उसको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी वो, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो हमने को 11th और 12th दोनों में क्या रिलेशन है, क्या इसमें इंटरकनेक्शन है, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस चैप्टर में अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मेनली क्या होता है बेटा कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, कि जो बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो या तो आप बिज़नेस कर लो एक एज ए इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि सारे जो करता धरता हो वो सब आप ही हो, यानी कि जो भी बिज़नेस के डिसीजन लेंगे आप अकेले लेंगे, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, राइट। जिसमें केवल आप ही एक सिंगल ओनर हो तो आप क्या होगे, पार्टनरशिप फर्म आपने ओपन करके रखी है। दूसरा होता है बेटा कि अगर मान लो 2 या 3 लोगों ने, 2 या उससे ज़्यादा लोगों ने मिलके काम किया और फिर अगर वो कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, राइट। और फिर अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हो जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है या फिर प्राइवेट कंपनी जो बनाते हैं, तो एक तरह से हो सकता है कंपनी। इसके अलावा भी काफ़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, एनजीओ हो गया, राइट। तो वो हमारे, हम उनको यहाँ पे
कवर नहीं कर रहे, केवल हम तीन ही मेजरली जो हैं वो यहाँ पे कवर करके चलेंगे, क्योंकि हमको इन तीन के बारे में ही पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, की जो बिजनेस है उसका साइज क्या है, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना बड़ा है उस पे डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जिसमें से एक हो गया प्रोप्राइटरशिप फर्म, दूसरा हो गया पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा हो गया बेटा कंपनी, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको देखना है, इन क्लास 11th वी ऑलरेडी स्टडीड, अब क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा वो आप देखो। तो पहला हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, यानी कि इसमें हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं वो हमने यहाँ पे सीखा। अब जर्नल, नॉर्मल जर्नल भी सीखा, फिर स्पेशल जर्नल, यानी कि हमने कैश बुक क्या अलग से करा, और फिर कुछ सब्सिडरी जर्नल थे लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, है ना, और ये सब भी हमने देखे। फिर देखो, हमने बनाया लेजर, यानी कि जर्नल से आप पर्टिकुलर जो अकाउंट्स होते हैं उनके लेजर बनाते हो, राइट। फिर यानी कि इसमें पोस्टिंग करते हो आप, जो आपने जर्नल एंट्री करी उसकी पोस्टिंग करते हो लेजर में। फिर बेटा ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो बैलेंस डेबिट होता है उसको डेबिट कॉलम में, और जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसको क्रेडिट कॉलम में, इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। और फिर हमने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द ईयर एंड, और उसमें क्या क्या आता था, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, नेट अपना प्रॉफिट एंड लॉस से हमको नेट प्रॉफिट मिलता था, और फिर बैलेंस शीट से जो भी नेट प्रॉफिट आया हम कैपिटल में ऐड कर देते थे, अगर लॉस आया तो माइनस कर देते थे। ये सब हमने 11th में पढ़ा। सर क्यों बता रहे हो ये यहाँ पे, बेटा इसलिए ताकि आप इंटरकनेक्टेड चीज़ों को कर पाओ, इंटरलिंकेज कर पाओ आपस में, है ना। अब अगर मान लो किसी बच्चे को लगता है कि सर हमने ये चीज़ें 11th में अच्छे से नहीं पढ़ी, हमारी प्रिपरेशंस अच्छी नहीं है, तो बेटा अगर आपकी प्रिपरेशंस थोड़ी कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 12th में भी हम ये मान के चलेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट 11th के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे भी एंट्रीज में भी दिक्कत है, हम जीरो से ही लेके चलेंगे आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, हमको बिल्कुल भी नहीं आता, तो बेटा हमने स्पेशली कोर्स डिज़ाइन कर रखा है बेसिक अकाउंटिंग का, बेसिक अकाउंटिंग का, जिसमें अराउंड ओनली 10 से 15 के बीच में लेक्चर हैं। तो वो आप अगर देख लोगे तो उसमें क्या है, आपकी जो बेसिक्स हैं ना अकाउंट्स के, वो सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जिस बच्चे को ऐसे लगता है कि नहीं मेरा तो बेसिक्स बिल्कुल ही वीक है, तो उसके लिए फिर ये चीज़ है कि आप बेसिक अकाउंटिंग का जो सिलेबस है ना, वो कोर्स है, छोटा सा है, 10 से 15 लेक्चर हैं उसमें, वो आप देख सकते हो हमारी ऐप पर, वो हमने डाल रखा है, राइट। एकदम नॉमिनल प्राइस पे ही है वो, उसकी ज़्यादा प्राइसिंग है भी नहीं, है ना। तो वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप स्टोर है आपके पास तो उससे भी ये डाउनलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसमें देख सकते हो, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, अगर आपका पहले से ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको अलग से देखने की, राइट। तो यहाँ पे देखो, हेयर वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि जो 11th में हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी ना बेटा, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये किसके बेस पे बनाई थी, इंडिविजुअल पर्सन के बिजनेस के लिए बनाई थी, राइट। जो अकेला बिजनेस कर रहा था ना जो इंसान, उसके लिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, दैट इज फॉर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि उस बिजनेस को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उसके लिए हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई थी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी ऑलरेडी लर्न द अकाउंटिंग फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो इससे हमको क्या सीखने को मिला कि हमने 11th में क्या सीखा, अकाउंटिंग फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग हमने 11th में कंप्लीट कर ली। अब नाउ इन क्लास 12th में, अब इसमें हमको क्या पढ़ना है या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो देखो, इसमें भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनानी है, लेकिन वहाँ पे तो हमने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए बनाई थी, यहाँ पे हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है किसकी बेटा, पार्टनरशिप फर्म की, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और दूसरा हमको बनाना है कंपनी, यानी कि अकाउंटिंग फॉर कंपनी। जब आप ये दो चीज़ें सीख जाओगे तो उसके बाद एक चैप्टर, एक यूनिट आएगी आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम होते हैं बेटा उनका एनालिसिस करना, जैसे
जिसमें अलग अलग रेशियो गिवन है आपको, तो रेशियो का एनालिसिस करना है कि कौन सा रेशियो किस काम का है और उसमें वो रेशियो क्या मतलब है उसका। फिर इसमें आएगा एक कैश फ्लो, राइट, कि भाई कैश का फ्लो किस तरह से होता है, कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ पे गया, ये सब चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा 12th का सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि 11th में हमने क्या पढ़ा था और 12th में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके बेस पे आप देखिए, जो आपका 12th में जो सिलेबस है बेटा, वो पहली बुक क्या हो गई आपकी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, सेकंड बुक क्या हो गई आपकी, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और थर्ड बुक का क्या नाम है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ये थी अपनी 36 मार्क्स के लिए, ये थी 24 मार्क्स के लिए, और फिर ये थी अपनी 20 मार्क्स के लिए। इस तरह से इनका मार्क्स का वेटेज था। तो आपको यहाँ पे पूरा पूरा क्लियर मैंने पूरा समझा दिया। अब सर हम बुक कौन सी रेफ़र करें, कौन सी बुक रेफ़र करें, 12th में बहुत सारी बुक चलती है मार्केट में। तो बेटा वैसे तो बहुत सारी बुक हैं, लेकिन मेजरली जो बुक चलती है ना मार्केट में, वो एक तो डीके गोयल है और एक अपनी टीएस ग्रेवाल है। दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं, दोनों ही बुक में सब कुछ कवर है। आपको जो भी अच्छी लगे या फिर जो आपकी स्कूल ने रेफ़र करवाई है आपसे, वही आप रेफ़र करके चलना। हम इस कोर्स में दोनों ही बुक कवर करेंगे, राइट। आप जो सिलेबस आपने परचेज किया है, जो कोर्स आपने इसमें रजिस्टर किया है, इसमें हम दोनों ही बुक के क्वेश्चंस पूरे पूरे कवर करेंगे। इसमें कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि बुक्स रिकमेंडेड, एक तो डीके गोयल आप रेफ़र कर सकते हो और एक टीएस ग्रेवाल, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप रेफ़र कर सकते हो। बाकी हम तो दोनों को ही कवर करके चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 0 है, वो हो गया कंप्लीट। यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था इसमें, और कुछ तो था ही नहीं। हमको केवल समझना था कि हमने क्या पढ़ा और क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अकाउंट्स तो बेटा 11th में भी था और अकाउंट्स 12th में भी था, 12th में भी है, तो इसलिए हमको ये ज़रूरी था, राइट। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताइए आपको। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। चले आगे, चलो अब देखिए, अब हम अपने मेन पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है अपना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म जो हमारा 36 मार्क्स है, मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, राइट। तो यहाँ से अब अपन स्टार्टिंग करते हैं अपनी। तो इसमें बेटा जो आपकी पार्टनरशिप है, इसमें जो पहला आपका चैप्टर है वो है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। यानी कि पार्टनरशिप को क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि अगर आप पूरा पार्टनरशिप एक ही चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है ना। कुछ बुक में हो सकता है केवल 6 ही चैप्टर हों, तो किसी बुक में 7 चैप्टर हो सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट तो सारे सेम ही हैं और हमको सारे ही पढ़ने हैं। तो देखो पहला जो चैप्टर है वो क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। यानी कि इसमें हमको अकाउंट पार्टनरशिप के केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, अगर ये चैप्टर आपको नहीं किया या फिर ना समझ में आया आपको, तो पूरी पार्टनरशिप में आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है, ये आप मान के चलना। तो ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसके बिना आप पार्टनरशिप नहीं पढ़ पाओगे, राइट। तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान दे के अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी इसमें वो नहीं करना, मान के चलना। पार्टनरशिप इतनी आसान है, इतनी आसान है, आपने सीनियर से सुना होगा कि मुश्किल है या फिर टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इतनी आसान है पार्टनरशिप। आप जैसे पढ़ोगे ना, तो जैसे ही हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट होगी तो आपको लगेगा कि सच में पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट 11th के अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी आप इन लेक्चर्स को अच्छे से सुनते हो, तो भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें काफ़ी अच्छी कमांड आ जाएगी। बस मेरी कंडीशन एक ही है कि आप एक भी क्लास मिस मत करना। अगर इन केस आपकी क्लास कोई मिस हो भी गई, तो हमारी ऐप पे रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही जाएगी, तो वो रिकॉर्डेड क्लास आप देख लेना, ताकि आप एक भी चीज़ मिस ना करो। बस अगर आपने लेक्चर्स पूरे अटेंड किए हैं, तो फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और आप मान के चलिए, बस केवल आप क्लास में ध्यान दे दो, घर पे भी आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस कंडीशन एक ही है कि जो लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार ध्यान से सुनो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग।
तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाई पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्टिट्यूटेड, यानी कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्यों करें पार्टनरशिप, हम इंडिविजुअली यानी कि प्रोप्रेटरशिप फॉर्म में ही बिजनेस क्यों नहीं कर लेते। भाई आप एक अकेले बिजनेस ओनर हो और आप अपने बेस पे बिजनेस को रन कर रहे हो, तो फिर पार्टनरशिप को कंस्टिट्यूट करने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेटा वैसे तो क्या बहुत सारे रीजंस होते हैं पार्टनरशिप को कंस्टिट्यूट करने की, लेकिन उसमें से कुछ रीजन हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो वो यहाँ पे आप देखो। तो कह रहे हैं देर आर मैनी रीजन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म, सम ऑफ द रीजन्स आर, अब उसमें से कुछ रीजन्स क्या हैं वो आप देखो। पहला, when a person wants to expand their business then he require more capital and more people to manage their business operations, यानी कि अगर मान लो ये मिस्टर अमन है, राइट, अब मिस्टर अमन क्या है डूइंग हिज बिजनेस इंडिविजुअली, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। वो पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे अपना बिजनेस रन कर रहा था, अब बाद में क्या हुआ उसको चाहिए कि हमको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उसको क्या करे, उसके लिए उसको बहुत सारा पैसा चाहिएगा और भी लोग चाहिएंगे ताकि बिजनेस को ऑपरेट कर पाए, क्योंकि अगर बड़ा बिजनेस होगा तो लोग भी ज़्यादा चाहिए और पैसा भी ज़्यादा चाहिए, राइट। तो इन दोनों चीज़ों की जो प्रॉब्लम है ना, ये दोनों प्रॉब्लम ये सोल्व करती है आपकी पार्टनरशिप। तो उसने क्या किया मिस्टर अमन ने, ये ज़्यादा पीपल इसमें चमन को ऐड कर लिया और रमन को ऐड कर लिया, तो अब क्या बन गए अमन चमन रमन। तो इन्होंने अडॉप्ट कर ली टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि अमन चमन रमन, पहले अमन क्या था अकेला था, अब उसके साथ चमन भी आ गया और रमन भी आ गया, तो यहाँ पे अब तीनों मिलके काम करते रहेंगे। और इनकेस एक और फायदा है, देखो क्या है, मान लो कभी अमन बीमार हो गया, कभी अमन बीमार हो गया तो उस केस में उनका बिजनेस बंद नहीं होगा, उसको कौन संभाल लेंगे, चमन और रमन। लेकिन अगर इन केस मान लो चमन को कोई काम हो गया कि मेरे को तो घूमने जाना है, तो फिर अमन और रमन इसको रन कर लेंगे। तो यानी कि पार्टनरशिप का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई एक कहीं जाना चाहे तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है, बिजनेस आपका बंद नहीं करना पड़ेगा, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है, उसमें तो आपको अपना बिजनेस एक दिन के लिए बंद करना ही पड़ेगा अगर आप एक दिन के लिए भी कहीं जाते हो तो। तो ये भी एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अमन चमन रमन इन्होंने तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर चुके हैं, राइट। तो ये भी एक तरीका है पार्टनरशिप को बिल्ड करने का, क्योंकि उनको अमन को ज़्यादा पैसे चाहिए थे और ज़्यादा लोग भी चाहिए थे। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है बेटा कि वेन सम पर्सन्स हैविंग एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एरियाज देन दे कम टुगेदर फॉर डूइंग बिजनेस, यानी कि आप एग्जाम्पल में देखो, ये है मोहन, ये है रोहन और ये है सोहन। मोहन है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सोहन जो है वो है अपने लॉयर और रोहन है अपने MBA। तो आप यहाँ पर देखोगे कि तीनों ही लोगों की अलग अलग फील्ड में अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। मोहन जो है वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो सोहन है वो लॉयर है जो लीगल मैटर्स में एक्सपर्टीज रखते हैं और जो बिज़नेस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं उसमें बिजनेस की जो एक्सपर्टीज है वो है रोहन के पास जो है MBA, और अकाउंट्स एंड फाइनेंस वगैरह टैक्सेशन की जो जानकारी है वो है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि मोहन के पास। तो इन्होंने सोचा कि हम तीनों मिलके एक फॉर्म कर लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। उन्होंने अपना नाम रख लिया MSR and Associates। तो ये भी एक पार्टनरशिप फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे मैंने कुछ कारण बताए जिसकी वजह से हम पार्टनरशिप करते हैं। तो क्या यहाँ पे केवल दो ही कारण हैं पार्टनरशिप को करने के, नहीं बेटा ये केवल दो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने ये बात नोट में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। क्या देर आर सम अदर रीजन्स ऑल्सो फॉर कंस्टिट्यूटिंग ए पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमने केवल एक दो कारण यहाँ पे देखे हैं ताकि हमको एक अंडरस्टैंडिंग हमारे डेवलप हो जाए कि पार्टनरशिप को फॉर्म क्यों किया जाता है, राइट। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया कि वाई पार्टनरशिप फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि पहला केस ये है कि जिसमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो, या आपकी अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज है तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो, है ना, और आपसे बिजनेस अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा या फिर आप दूसरे बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो तो भी आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो। तो ये कुछ रीजन्स थे। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम
चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? तो देखो बेटा, इस जो पार्टनरशिप है, इसको जो गवर्न करता है ना, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि पूरी की पूरी जो पार्टनरशिप है उसको कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसी के सेक्शन नंबर फोर में पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमको दी है। क्या डेफिनेशन है? इसके अकॉर्डिंग कैरेट डिफाइंस पार्टनरशिप एज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन है? रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons who agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच का, जिन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। किसके प्रॉफिट्स को? बिजनेस के प्रॉफिट्स को। अब चाहे वो बिजनेस सारे जने मिलके चलाते हैं कैरीड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी ऑफ देम, या फिर उनमें से कोई एक चलाता है, इससे कोई फर्क नहीं। तो ये हमारी डेफिनेशन दी हुई है अपनी। अब देखो, इसमें एक चीज़ ये भी देखनी है आपको कि पार्टनर्स और फर्म किसको बोला जाता है। तो कह रहे हैं पर्सन्स हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। यानी कि जो भी पार्टनर्स मिलके काम करने जा रहे हैं, उन सभी पार्टनर्स को इंडिविजुअल लेवल पे क्या बोला जाता है? पार्टनर्स बोला जाता है। एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, अगर उनको मिलके कुछ बोला जाए तो वो क्या हो गया? फर्म। और नेम ऑफ द फर्म का क्या मतलब है? द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन। तो ये हो गया फर्म का नाम, यानी कि जिस नाम से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो वो क्या हो गया? आपका फर्म का नेम हो गया। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। हालांकि इस डेफिनेशन को अभी अपन अच्छे से और एलेबरेट करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, ये जो डेफिनेशन आपको दी है कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। अगर इनमें से एक भी फीचर अगर मिस हो गया तो हम उसको पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो उसमें ये सारे के सारे फीचर्स होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी फीचर आपका नहीं है, दैट मीन्स वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सेकंड टॉपिक इजी था, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि आपको डेफिनेशन यहाँ पे दी है। तो अब अपन चलते हैं थर्ड टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि ये जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, इसी की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं अच्छे से, या फिर आप कह दो पार्टनरशिप के फीचर्स बता दो। तो एक ही बात है। तो देखो, सबसे पहले बोला था पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यहाँ पे क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो यहाँ पे टू और मोर पर्सन्स से क्या मतलब है आपका? ये देखो आप, तो ये देखो, पहला है टू और मोर पर्सन्स। तो टू और मोर पर्सन से मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में कितने नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं? इसमें बेटा मिनिमम होते हैं टू पार्टनर्स, और मैक्सिमम कितने हैं? 50 पार्टनर्स। तो देखो, टू पर्सन्स मिनिमम और मैक्सिमम 50 पर्सन्स। तो देखो, ये जो मिनिमम वाली बात है ये कहाँ से आई? ये बोला है पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि मिनिमम दो पर्सन्स तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप में। यानी कि अगर अकेला ही होगा तो फिर तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही हो गया, इसलिए कम से कम दो पर्सन तो होने चाहिए, तभी उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा। और मैक्सिमम कितना? 50। तो 50 कहाँ से आया? तो इस मैक्सिमम वाली बात पे जो पार्टनरशिप एक्ट है ना बेटा, वो साइलेंट है। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो क्या है? साइलेंट है, उसमें कुछ भी नहीं बोला। तो हमने कहाँ से लिया फिर ये? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम लिमिट बोली है कितनी? 50। अब देखो, पार्टनरशिप जो यहाँ पे हमने नोट में ये बात लिख भी दी, क्या
पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस इन ए पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि मैक्सिमम नंबर पे जो पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या है आपका, साइलेंट है। तो फिर हमने कहाँ से लिया ये नंबर, ये लिया बेटा सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है 464। वो क्या बोलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। ये जो सेक्शन है ना 464, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देता है बेटा, पावर देता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिफाइन कर सकते हो, मतलब बता सकते हो, लेकिन वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि वो कितने मैक्सिमम होने चाहिए, 100। तो कह रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट आप कोई भी नंबर बता सकते हो, लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ 100 होना चाहिए, 100 से ऊपर तो नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना बता दिया, 50, राइट। यानी कि सेक्शन ने पावर कितनी दी है, 100 तक आप बता सकते हो, 100 से ऊपर आप नहीं रख सकते लिमिट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी रख दी लिमिट, 50 मैक्सिमम। तो हमको तो ध्यान क्या रखना है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है पार्टनर्स की, 50। तो यही बात है आपको यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म, बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। यानी कि सेक्शन ने एक लिमिट बता दी कि आप नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये आप बता सकते हो, लेकिन 100 से ऊपर वो लिमिट मत रखना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज टू बी 50। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कितनी लिमिट रखी है, 50। तो हमको याद रखने वाली बात यह है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो ये तो बात हो गई कि कितने पर्संस हम पार्टनरशिप में होने चाहिए, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। अब आगे चलते हैं, तो इसमें लिखा था ये देखिए, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो टू और मोर का मतलब तो समझ में आ गया कि मिनिमम कितना 2 और मैक्सिमम कितना, 50। अब पर्संस की बात करते हैं, पर्संस से मतलब कि क्या सभी पर्संस, जो भी पर्संस हैं क्या सभी पार्टनर बन सकते हैं, बिल्कुल बेटा सभी पर्संस पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के। क्या क्या वो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है एवरी पर्सन सेल बिकम ए पार्टनर एक्सेप्ट। अब कह रहा है कि सभी जो पर्संस हैं वो पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन कौन नहीं बन सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब बताओ एक पागल आदमी है तो वो कैसे बिजनेस करेगा, इसलिए जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है ना उसको बोला कि भैया तुम बाहर जाओ, आप पार्टनर नहीं बन सकते। दूसरा, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाई एनी लो। अगर किसी पर्सन को लो ने ही डिस्क्वालीफाइड कर रखा हो, सर लो किसको डिस्क्वालीफाइड करता है, मान लो किसी ने कोई भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी कर दी हो, या फिर किसी भी क्राइम में वो पकड़ा गया हो, कोई भी कारण हो सकता है, यानी कि अगर उसने कुछ किसी का मर्डर कर दिया हो, है ना, या फिर कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा कुछ फ्रॉड केस कर दिया हो, तो उसको क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको जो कोर्ट है उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, राइट। तो ऐसा पर्सन भी कहीं भी पार्टनर नहीं बन पाएगा। तो लो ने किन दो लोगों को बाहर निकाल दिया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि जो दिमागी रूप से सही नहीं है, और दूसरा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाई एनी लो, यानी कि किसी भी कानून में अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया तो वो पर्सन भी पार्टनर नहीं बन पाएगा। और तीसरा, इन्होंने भाई बाहर निकाल दिया बेटा माइनर को, माइनर मतलब जो अभी 18 साल से कम जिसकी उम्र है, 18 साल से कम जिसकी एज है, उसको पार्टनर नहीं बन सकता वो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है बेटा, कह रहा है बट माइनर कैन बी पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट्स। यानी कि जो माइनर है ना वो प्राइमा फेसी तो नहीं बन सकता पार्टनर, क्योंकि वो छोटा है और छोटा बच्चा है, वो बिजनेस कैसे करेगा। लेकिन कुछ केस में बन सकता है केवल प्रॉफिट्स के लिए। सपोज इन केस आपके बिजनेस में लॉस हो गया, तो उस लॉस आप पार्टनर से माइनर से थोड़ी लोगे। तो इसलिए जो हमारा एक्ट है उसने बोला कि आप माइनर को केवल प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बना सकते हो। अब इसमें भी एक और चीज़ है, क्या है, ऑल्सो व्हेन ही बिकम मेजर ही हैज़ टू डिसाइडेड दैट ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पार्टनरशिप विद इन 6 मंथ।
यानी कि बेटा जब वो माइनर है अभी, यानी कि वो 18 साल से कम उम्र है उसकी, लेकिन एक दिन तो वो 18 साल का होगा ही, राइट। आप भी, आपकी भी एज यही होगी 16-17, आप जिस एज में हो, 12th में हो, तो कोई आप में से 16 का होगा या कोई आपके 17 का होगा, तो आप भी पार्टनर नहीं बन सकते, लेकिन आप माइनर प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बन सकते हो। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि जिस दिन आप 18 साल के हो जाओगे, उस दिन से, जिस दिन आप 18 साल के हुए, मान लो आपका बर्थडे किसी भी डेट को आता है, तो जिस दिन आपका बर्थडे आया, जिस दिन आप 18 साल के हो चुके, वहाँ से विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप फर्म में कंटिन्यू रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते। अगर आपने जवाब दे दिया जब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो आप पार्टनर नहीं हो, और अगर आपने हाँ कर दी तो फिर तो आप प्रॉपर पार्टनर बन चुके, फिर तो चाहे प्रॉफिट होगा तो भी आप उसमें शेयरिंग करोगे, लॉस होगा तो उसमें भी शेयरिंग करोगे। लेकिन इन केस आपने कोई जवाब ही नहीं दिया 6 महीने के अंदर, आप तो एकदम बैठ गए कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उस केस में फिर लोग क्या बोलता है कि अगर विद इन 6 मंथ आपने डिसाइड कर लिया जब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो फिर क्या होगा, ही सेल बी डीम्ड टू बी एज पार्टनर एंड लाइबल फॉर ऑल द एक्शंस ऑफ द फर्म। तो आपको माना जाएगा कि आप उस फर्म में पार्टनर हो, और फिर उस केस में आप लॉस के लिए भी जिम्मेदार होंगे, यानी कि अगर कोई लॉस हो जाता है फर्म को तो उसमें भी आप अपनी शेयरिंग करोगे। तो आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, यानी कि पहली जो लाइन थी ना बेटा, दिखने में कितनी छोटी लाइन थी, आप देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज ए पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो इसको ही कितना इलेबरेट करा, टू और मोर मतलब मिनिमम कितना 2, मैक्सिमम कितना 50, और पर्सन से क्या मतलब है कि हर एक पर्सन बन सकता है केवल 3 को छोड़ के। कौन 3 लोग, एक तो अपना अनसाउंड माइंड वाला, एक डिस्क्वालिफाइड बाई लो वाला, और एक माइनर। लेकिन माइनर पे कंडीशन थी कि इसको 6 महीने के अंदर अंदर बताना पड़ेगा, और ये केवल प्रॉफिट्स के लिए ही बन सकता है। तो ये हमारा पहला जो डेफिनेशन का पार्ट खत्म हो गया, कौन सा, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, हु हैव एग्रीड। अब एग्रीड का मतलब देखते हैं अपन। तो ये पहला फीचर आपको समझ में आया कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि 2 or more persons होने चाहिए। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, जो है हमारा एग्रीमेंट, है ना, हु हैव एग्रीड। तो एग्रीड का क्या मतलब हुआ कि पार्टनरशिप इज कंसिडर्ड ओनली बाई एग्रीमेंट। पार्टनरशिप को हम तभी मानेंगे जब आप में कोई एग्रीमेंट हुआ है। यानी कि आप सोचो, अगर आप दो दोस्त मिलके अगर एक कोई भी एक बिजनेस रन करना चाहते हो, लेकिन आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो क्या आपका वो पार्टनरशिप माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। यानी कि एग्रीमेंट में भी रिटर्न और ओरल वो हो सकता है, यानी कि चाहे आपने रिटर्न में कोई एग्रीमेंट किया हो या ओरल में, लेकिन किया है तो फिर हम उसको पार्टनरशिप कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट कैसा भी हुआ है, हुआ नहीं है, तो फिर हम उसको पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि नोट बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ लाइक HUF। ये क्या है बेटा कि जैसे मान लो आपके घर में आप, ये हैं आपके फादर, राइट, और फादर और आप हो 3 भाई, राइट, 1, 2 और 3। तो आप सोचो कि फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, क्या ये सब उसके मालिक नहीं है, बिल्कुल हैं, या फिर फादर का जो भी बिजनेस है उसके ये तीनों के तीनों ओनर हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं। तो ये क्या हुआ, क्या इनको जो ओनर है वो लोने बनाया या ये अपने आप बन गए, ये अपने आप बन गए ओनर। तो क्या ये तीनों अगर एक ही दुकान पे बैठ के काम करते हैं, एक ही बिजनेस रन करते हैं जो इनके फादर का है, तो क्या आप इनको पार्टनर बोलोगे, नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, ये तो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ पार्टनर बन गए, राइट। पार्टनर वर्ड तो मैं बोलूँगा भी नहीं यहाँ पे, साथ मिलके काम करते हैं बस, यानी कि कोई बीच में इनके एग्रीमेंट नहीं है, ये तो इसलिए साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि जो बिजनेस था वो इनके फादर का था। तो यानी कि अगर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से अगर साथ में काम कर रहा है तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा, वो फिर क्या है वो आपका बस इंडिविजुअल लेवल का ही बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप फर्म ही है, यानी कि वो आपकी पार्टनरशिप फर्म नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट मस्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल में हो, लेकिन होना चाहिए। अब इसमें भी एक नोट है, ये क्या है कि सर ये जो आपका
रिटर्न है और ओरल है, क्या इनकी वैल्यू दोनों की बराबर है, क्या ओरल एग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल है बेटा, कह रहे हैं बोथ एग्रीमेंट आर इक्वली वैलिड बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इट इज़ प्रिफर्ड दैट पार्टनर्स हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट। कह रहे हैं कि वैसे तो दोनों ही एग्रीमेंट वैलिड हैं, चाहे आप रिटर्न करो चाहे आप ओरल करो, लेकिन मेन क्या है, अगर इन केस आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर वहाँ पे आप ओरल एग्रीमेंट को कैसे चैलेंज करोगे? जब आपके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं तो आप अपनी बात कैसे रखोगे? तो उस केस में रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है, तो इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी वैसे तो दोनों ही वैलिड हैं जहाँ तक वैलिडिटी की बात है। तो ये हो गया अपना एग्रीमेंट का मतलब। तो देखो हमारी डेफिनेशन को फिर से अपन देखते हैं। डेफिनेशन में हमारा लिखा था रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, तो ये हमने देख लिया। हूँ एग्रीड, तो एग्रीड का मतलब समझ में आया कि एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है ओरल में भी हो सकता है, दोनों ही वैलिड है, लेकिन ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो किसको देनी चाहिए? रिटर्न की। और ऑपरेशन ऑफ लॉ है उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। आगे बोला है टू शेयर प्रॉफिट्स, टू शेयर प्रॉफिट्स, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब देखो, इसका मतलब है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये है बेटा कि एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अब आप बोलोगे कि सर डेफिनेशन में तो केवल प्रॉफिट्स ही लिखा हुआ था, तो बेटा आप खुद ही सोचो कि प्रॉफिट अगर लिखा है तो क्या उसमें लॉस नहीं है? बिल्कुल है उसमें लॉस, कि अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो, किसी दिन अगर आपको लॉस हो गया तो क्या आप लॉस शेयर नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो यानी कि प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ये तो हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, यानी कि एज पर द डेफिनेशन। और लॉस वर्ड कहाँ से आया? इम्प्लाइड है, यानी कि अंडरस्टूड है। भाई एक लॉजिकल वे में आप सोचो ना, ये तो प्रॉफिट तो क्या है, जैसे आप कोई भी काम करना जा रहे हो, अभी मैं बोलूँ आपको कि बेटा जो मैंने पढ़ाया आप अच्छे से पढ़ना है ना, लेकिन आप इसको घर पे जाके पढ़ोगे ही नहीं बिल्कुल भी, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला ही नहीं घर पे जाके पढ़ने के लिए। तो बेटा ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो आप यहाँ पे पढ़ते हो आपको घर पे रिवाइज भी करना चाहिए। तो वैसा ही कुछ है कि ये प्रॉफिट तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर लॉस नहीं लिखा तो उसको हम अंडरस्टूड यानी कि इम्प्लाइड मान लेंगे कि लॉस भी हमको शेयर करना है अगर लॉस होता है तो। यहाँ पे भी एक नोट है, इफ़ सम पर्सन ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। यानी कि अगर कुछ लोग मिलके कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज साथ में करते हैं तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगी? नहीं बेटा, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप तभी होगी जब आप प्रॉफिट्स और लॉस की शेयरिंग करते हो, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें तो फिर प्रॉफिट्स शेयर होता ही नहीं है। जैसे कि पहले आपके 12th के सिलेबस में ही एक और यूनिट होती थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NPO भी पहले होता था, तो अब वो हट गया। जैसे अभी आपको केवल पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है और कंपनी की, अगर NPO भी होता तो फिर आपको NPO की भी अकाउंटिंग करनी पड़ती, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हमने पार्टनरशिप नहीं माना क्योंकि वो एक अलग बिजनेस एंटिटी है, वो पार्टनरशिप में नहीं आती। पार्टनरशिप के लिए तो आपको प्रॉफिट्स और लॉस को शेयर करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। तो वापस से हम डेफिनेशन पे आते हैं। देखो क्या लिखा था, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस, तो ये हमने देख लिया। हू हैव एग्रीड, इसका मतलब भी हम समझ लिए कि क्या होनी चाहिए, रिटर्न में भी हो सकती है और ओरल में भी हो सकती है। और ऑपरेशन ऑफ लॉ है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में लॉस भी शामिल है, ये भी हमने देख लिया, यानी कि NGO इसमें इंक्लूड नहीं है। फिर ऑफ आ बिजनेस, अब इसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं। चलो तीन के बाद आता है फोर्थ नंबर पे हमारा एग्री बिजनेस। तो देखो एग्रीमेंट फॉर कैरिंग सम बिजनेस, यानी कि जो एग्रीमेंट है ना आपका वो किस चीज़ के लिए है, कैरिंग सम बिजनेस, तो उसी को हम बोलेंगे अमाउंट्स टू पार्टनरशिप। यानी कि अगर आपका एग्रीमेंट कुछ बिजनेस करने का है तो ही हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अगर आप कोई भी किसी भी तरह का काम करने के लिए साथ में आ गए तो वो फिर बिजनेस, वो फिर पार्टनरशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल मेयर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नॉट अमाउंट्स टू पार्टनरशिप। क्या है बेटा समझो, देखो जैसे कि ये है अपने विराट कोहली, जानते हो ना आप इनको, तो इनको कौन नहीं जानता। तो विराट कोहली हैं और एक है हमारे MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। तो इन्होंने क्या है बेटा मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक प्रॉपर्टी एक यानी कि एक लैंड खरीदी। अब क्या
विराट और धोनी आपस में पार्टनर कहलाएंगे? नहीं बेटा, ये पार्टनर नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि ये तो केवल एक जो लैंड है उसके ओनर हैं, राइट। इन्होंने कोई बिजनेस नहीं कर रही है, यानी कि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। लेकिन एक चीज़ है, यानी कि यहाँ पे जो विराट एंड धोनी कंसिडर्ड एज ए ज्वाइंट ओनर्स ऑफ ए प्रॉपर्टी, केवल इस प्रॉपर्टी के ये क्या हैं, ज्वाइंट ओनर्स हैं। तो नोट में क्या लिखा है, इफ़ दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड, अगर ये इनका ये बिजनेस ही होता कि ये लैंड को खरीदते हैं फिर उसको सेल आउट कर देते हैं, फिर उसको बाई करते हैं फिर उसको सेल आउट कर देते हैं, तो उस केस में हम क्या मानते हैं कि ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं, और फिर वो पार्टनरशिप में कवर हो जाएगा, और फिर हम उसको पार्टनर कह देंगे। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है समझने वाली कि देखो बेटा, कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, यानी कि जो एग्रीमेंट है आपके बीच में वो कोई बिजनेस करने का है, तो ही हम पार्टनरशिप के में कवर होंगे, अदरवाइज हम नहीं होंगे। यानी कि मेयर ओनरशिप है किसी भी प्रॉपर्टी का, तो वो हमको पार्टनर नहीं बनाता, उससे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि बिजनेस का मतलब क्या है, यानी कि जो पार्टनरशिप है वो कोई बिजनेस करने के लिए होनी चाहिए, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो देखो अब डेफिनेशन में फिर से चलते हैं अपन। डेफिनेशन ने क्या बोला था, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस, टू और मोर मतलब मिनिमम टू, मैक्सिमम 50, पर्संस कितना, पर्संस में कौन आते हैं, तीन लोग नहीं आते, बाकी सब आते हैं, कौन, अनसाउंड माइंड नहीं आता, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ नहीं आता, और माइनर नहीं आता लेकिन आ सकता है केवल प्रॉफिट्स के लिए। फिर हू हैव एग्रीड, एग्रीड यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए, जरूरी है एग्रीमेंट, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे वो ओरल में हो, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ से अगर कुछ पार्टनरशिप कुछ पर्सन साथ में काम करते हुए आपको मिले तो वो पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब कोई एग्रीमेंट है। टू शेयर प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स तो आपको डेफिनेशन में दिया है, तो प्रॉफिट्स इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो, इसमें लॉस भी कवर होगा, और अगर कोई एनजीओ चलाता है तो फिर वो पार्टनरशिप में नहीं आता क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आप जो एग्रीमेंट किए हो वो किसी बिजनेस को रन करने के लिए किए हो, या क्या क्या आपकी मेयर ओनरशिप किसी भी प्रॉपर्टी की आपको पार्टनर बनाती है, नहीं बनाती। तो ये आपका हो गया। लास्ट है आपका कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो अपन इसको भी देखते हैं। लास्ट है हमारा ये लो, आप ये लो, लास्ट है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब यही है, देखो बिजनेस अंडर पार्टनरशिप मे बी कैरिड ऑन बाई ऑल ऑफ द पार्टनर और वन पार्टनर फॉर ऑल, यानी कि जो बिजनेस है आपका पार्टनरशिप में, हमारा एग्जाम्पल था अमन, चमन और रमन, जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था वही एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वापस से लेके चलता हूँ। तो देखो अमन, चमन और रमन तीन पार्टनर थे, तो मैं कह रहा हूँ कि जो बिजनेस है आपका पार्टनरशिप का वो कौन चला सकता है, मे बी कैरिड ऑन बाई ऑल द पार्टनर्स, यानी कि ऑल द पार्टनर्स मतलब अमन भी, चमन भी और रमन भी, तीनों मिलके इसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, दैट इज एवरी पार्टनर इज एलिजिबल या फिर इंटाइटल्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑल, इन ऑल द बिजनेस अफेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अमन भी, चमन भी, रमन भी, तीनों के तीनों ही क्या है, बिजनेस के जितने भी अफेयर्स हैं, यानी कि बिजनेस के जितने भी डिसीजंस हैं, बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं, उनमें सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं जब ये सारे मिलके काम कर रहे हैं तो। लेकिन दूसरा है वन पार्टनर फॉर ऑल, यानी कि सपोज करो अमन ही केवल काम कर रहा है, चमन और रमन इन्होंने केवल कैपिटल लगाई है लेकिन ये दोनों काम नहीं करते, तो उस केस में काम कौन कर रहा है, केवल अमन। तो यानी कि दैट इज देयर इज ए म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, यानी कि इनके बीच में क्या है, एक म्यूचुअल एजेंसी है, एक दूसरे के लिए, क्या तो सारे लोग मिलके काम करते हैं या फिर कोई एक ही पार्टनर सबके लिए काम करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। तो अब इसको इन डिटेल समझते हैं, ये जो म्यूचुअल एजेंसी हुआ जहाँ पे एक ही पार्टनर काम करता है ना बेटा, उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो देखो जहाँ पे सारे पार्टनर मिलके काम करते हैं वहां पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सारों ने ही अगर कोई भी डिसीजन लिया तो सबने मिलके लिया, अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो सबकी वजह से हुआ, अगर लॉस हुआ तो वो भी सबकी वजह से हुआ, तो उसमें तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन केस जब कोई एक ही पार्टनर काम करता है ना बेटा सबके लिए, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। क्या कि अगर मान लो इन केस अमन ने कोई डिसीजन ले लिया, राइट, और फिर अगर कुछ भी उसमें गलती मिलती है तो क्या उसके लिए चमन रमन जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल हैं, क्योंकि ये इनके बिहाफ पे भी तो काम कर रहा था,
तो उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि अमन ने ही तो डिसीजन लिया था, इसके लिए चमन रमन क्यों इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल वो भी जिम्मेदार उतने ही होंगे जितना अमन है, क्योंकि यही तो है आपका म्यूचुअल एजेंसी का मतलब। तो इसको भी डिटेल में समझते हैं। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हेयर वन पार्टनर एक्स इन ड्यूअल कैपेसिटी, यानी कि हमारा जो अमन था ना बेटा वो ड्यूअल कैपेसिटी में काम कर रहा है यहाँ पे। कैसे? एज एन एजेंट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म के लिए तो ये एजेंट है। कैसे? यानी कि जो अदर पार्टनर हैं हमारे चमन और रमन, चमन और रमन के लिए तो क्या हो गया ये एजेंट। क्यों हो गया एजेंट? क्योंकि उनके बिहाफ पे तो काम कर रहा है ये। आप सोचो हम अगर किसी के बिहाफ पे काम करते हैं तो हम क्या है? उनके एजेंट। यानी कि अगर आप सोचो आपके फादर ने आपको कुछ लाने को बोला कि बेटा ये सामान वहाँ से लेके आओ और अंकल को मेरा नाम ले देना कि पापा ने बोला है, तो यानी कि आप पापा के रेफरेंस से ही तो वहाँ पे गए हो। पापा के रेफरेंस से अगर आप वहाँ पे गए हो, इसका मतलब आप अपने पापा के लिए एजेंट का काम कर रहे हो। तो यहाँ पे जो अमन है वो एक एजेंट है, किसके लिए? चमन के लिए और रमन के लिए, यानी कि अदर पार्टनर्स के लिए वो क्या है? वो एक एजेंट है। क्या है बेटा? एक एजेंट है। हेयर ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाई हिज एक्ट्स। तो बताओ अमन अगर कोई भी काम करता है तो उसके लिए कौन बाइंड है? चमन भी है और रमन भी है, राइट? यानी कि वो चमन को और रमन को बाइंड कर दिया अपने कामों से। यानी कि अमन अगर कोई भी काम करेगा तो उसके जिम्मेदार चमन भी होगा और रमन भी होगा। ये हो गया एज ए एजेंट उसकी कैपेसिटी। दूसरी किस कैपेसिटी में काम करता है वो? प्रिंसिपल। ये कैसा है बेटा? ये देखो, ये आउटसाइडर के लिए क्या है? प्रिंसिपल। सपोज आपके पापा की कोई शॉप है और अगर आपके पापा उस शॉप पे उस वक्त नहीं है तो वो आपको बिठा के चले गए। अब कोई भी पार्टी आती है आपको पेमेंट करने, तो वो बोलती है कि नहीं आप पापा को ही बुलाओ, तो हम उन्हीं को पेमेंट करेंगे। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं नहीं पापा ने मेरे को बोला है आप मेरे को पेमेंट कर सकते हो। तो यानी कि आप उस केस में जो सामने वाली पार्टी है उसके लिए क्या हो? प्रिंसिपल, राइट? क्योंकि आपको अथॉरिटी दी है। किसने? आपके फादर ने। तो वही केस यहाँ पे है कि यहाँ पे मेन आदमी कौन है? अमन। अमन क्या है? प्रिंसिपल। यानी कि अगर ये है आउटसाइडर, सपोज करो बैंक, अगर बैंक से कोई भी काम पड़ता है तो अमन चला गया। अब बैंक बोलता है कि चमन को रमन को भी लाओ, तो बैंक अमन बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को ही उन्होंने ये अथॉरिटी दे रखी है, वो नहीं आते, आप मेरे से ही ये डील कर लो। तो वहाँ पे वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द फर्म आउटसाइडर के लिए। तो यहाँ पे ही इज़ बाउंड बाई एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो अगर मान लो इस केस में अमन ने, अमन एज ए प्रिंसिपल है, तो इस केस में अगर कुछ भी होता है तो उसके अदर पार्टनर्स भी, ही इज़ बाउंड बाई एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। अगर अदर पार्टनर्स ने कोई भी काम किया है तो वो भी एज ए प्रिंसिपल उसका जिम्मेदार होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इस, ये रहा एग्जाम्पल, हमने नीचे मेंशन किया है उससे हम ये बात अच्छे से समझेंगे। देखो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज देर इज ए पार्टनरशिप फर्म MSR एंड एसोसिएट्स हैविंग 3 पार्टनर्स, मोहन, सोहन और रोहन। हमारे 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन हैं? मोहन, सोहन और रोहन। नाउ मिस्टर मोहन डूइंग ऑल द वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि सारा का सारा काम कौन कर रहा है? आपका मोहन करता है। नाउ मिस्टर मोहन टुक ए लोन फ्रॉम अ बैंक 10 lakhs इन द नेम ऑफ द फर्म। अब देखो इसने क्या लिया, ये है आपका मोहन। अब मोहन क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल है किसके लिए? बैंक के लिए, यानी कि आउटसाइड। और एजेंट किसका है? सोहन और रोहन, यानी कि अदर पार्टनर्स के लिए। ड्यूअल कैपेसिटी हो गई इसकी, एजेंट की भी और प्रिंसिपल की भी। अब इसने क्या है, लोन ले लिया 10 lakh rupees का। कहाँ से? यहाँ से, बैंक से 10 lakh rupees का लोन ले लिया। इन सच सिचुएशन मिस्टर मोहन एक्स इन ड्यूअल कैपेसिटी विच इज़ एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जो हमने अभी देखी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर पेमेंट ऑफ लोन, जब पेमेंट की बात आएगी ना, इस 10 lakh का पेमेंट हमको करना है ना फर्म को, तो जब इस पेमेंट की बात आएगी तो क्या होगा, मोहन इज लाइबल एज वेल एज सोहन एंड रोहन ऑल्सो लाइबल। तो क्या इस पेमेंट के लिए केवल मोहन लाइबल है? नहीं बेटा, सोहन और रोहन भी लाइबल हैं। हेयर सोहन एंड रोहन इज बाइंड विद द एक्ट डन बाई द मोहन। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि मोहन ने कोई भी काम किया, यानी कि लोन लिया था, तो उसके लिए क्या ये दोनों जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल हैं। तो इसलिए हमने क्या बोला कि यहाँ पे सोहन और रोहन बाइंड हैं किसके एक्ट से? डन बाई मोहन, यानी कि एजेंट ने जो काम किया उससे ये बाइंड है। कौन? अदर पार्टनर्स। दूसरा देखो,
इन केस एनी एक्ट इज़ डन बाई सोहन एंड रोहन, अगर ये दोनों मिलके कोई काम कर देते हैं देन मोहन विल ऑल्सो लाइबल फॉर द सेम। अगर इन दोनों ने कोई काम किया है तो फिर अगर मोहन ये बोल दे कि आप ही ने तो किया है, मैंने तो किया ही नहीं, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है। तो कह रहा है मोहन इज ऑल्सो लाइबल फॉर द सेम, हेयर मोहन इज बाइंड बाई द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पर मोहन बाइंड हो गया एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि दूसरे पार्टनर्स जो भी करते हैं तो उस काम से मोहन भी उतना ही जिम्मेदार हो गया एज ए प्रिंसिपल। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट म्यूचुअल एजेंसी का, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि बिजनेस जो बेटा कैरी करते हैं वो कैसे करते हैं, मे बी कैरीड ऑन बाई ऑल द पार्टनर्स एंड वन पार्टनर फॉर ऑल। अब ऑल द पार्टनर्स में क्या है कि सभी पार्टनर काम कर रहे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब एक ही पार्टनर सबके लिए काम करता है तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी का। अब म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि म्यूचुअल एजेंसी उसको बोलते हैं जहाँ पे एक ही पार्टनर ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है। तो उसकी ड्यूअल कैपेसिटी क्या है, पहली एजेंट वाली और दूसरी प्रिंसिपल वाली। एजेंट वाली कैपेसिटी में वो किसका एजेंट है, पार्टनर्स का, और प्रिंसिपल वाली में किसका प्रिंसिपल है, वो आउटसाइडर के लिए। इसमें वो बाइंड करता है दूसरे पार्टनरों को अपने एक्ट्स के, यानी कि वो जो काम करेगा उससे वो दोनों भी उतना ही जिम्मेदार होंगे। और इसमें एज ए प्रिंसिपल में जो दूसरे पार्टनर काम करेंगे और उनसे कुछ भी होता है तो उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है एज ए प्रिंसिपल, राइट। तो ये है म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो ये हमारा डेफिनेशन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। देखो क्या था डेफिनेशन में, डेफिनेशन में हमको दिया था बेटा रिलेशन पार्टनरशिप क्या है। अब मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो टू और मोर का मतलब क्या हुआ, मिनिमम टू और मैक्सिमम 50, और पर्सन से क्या मतलब हुआ कि सभी पर्सन एलिजिबल हैं लेकिन अनसाउंड माइंड है वो एलिजिबल नहीं है। दूसरा जो डिसक्वालीफाइड है बाई एनी लॉ वो भी एलिजिबल नहीं है, और तीसरा माइनर भी नहीं है, लेकिन माइनर प्रॉफिट के लिए हो सकता है, और 6 महीने वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। फिर कह रहे हैं हूँ है एग्रीड, एग्रीड का मतलब क्या हुआ बेटा, एग्रीमेंट होना चाहिए, वो चाहे रिटर्न में हो या फिर ओरल में हो, यानी कि जो आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ से अगर कोई साथ में मिलके काम करता है तो वो फिर पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा। टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस का मतलब कि इसमें लॉस भी इंक्लूड है, अगर कोई एनजीओ चलाता है तो फिर हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो प्रॉफिट शेयर करते ही नहीं है। तो यानी कि प्रॉफिट तो हमारी डेफिनेशन में लिखा है और लॉस हमारा इम्प्लाइड होगा। ऑफ अ बिजनेस यानी कि कोई बिजनेस के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, क्या मेयर ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी आपको पार्टनर बनाता है, नहीं बनाता। हमने विराट कोहली और एमएसडी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था। कैरीड ऑन बाई ऑल यानी कि सभी पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, मोहन सोहन रोहन या फिर एनी ऑफ देम यानी कि केवल मोहन। तो यहाँ पे इसमें तो कोई दिक्कत की बात थी नहीं, इसमें क्या था, एक कॉन्सेप्ट आता था म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी क्या है कि एक ही पार्टनर यानी कि जो अमन है वही अकेला काम करेगा दो कैपेसिटी में, पहली एजेंट वाली कैपेसिटी में और दूसरी प्रिंसिपल। एजेंट किसके लिए, अदर पार्टनर्स के लिए, और ये किसके लिए, प्रिंसिपल आउटसाइडर के लिए। एजेंट वाली कैपेसिटी में क्या है कि अमन जो भी काम करेगा उसके लिए वो दोनों पार्टनर भी उतने ही जिम्मेदार हैं, और प्रिंसिपल वाली में यानी कि वो दोनों पार्टनर जो भी काम करेंगे उसके लिए अमन भी उतना ही जिम्मेदार है। तो ये हमारी क्या थी, पूरी की पूरी डेफिनेशन को हम इन डेप्थ हमने एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा बेटा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा पढ़ने में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन थ्योरी है, पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम दो, आप थोड़े पेशेंस रखो, इसके बाद जो प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा ना आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, वहाँ पे और अच्छे से आपको मज़ा आने लगेगा। ये देखो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी है तो थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या है जगह जगह पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हमने इसको चार्ट फॉर्म में इसीलिए बनाया है ताकि ये आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए, राइट। तो यहाँ पे हमने अपनी डेफिनेशन को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा वो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप।
अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो है वो क्या बोलता है, वो क्या टॉपिक है, वो हम देखते हैं। ये क्या है बेटा, नेचर ऑफ पार्टनरशिप यानी कि ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम हिज पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। देखो, नेचर ऑफ पार्टनरशिप दो टाइप से देखी जा सकती है, पहला अकाउंटिंग व्यू से और दूसरी लीगल व्यू से। अकाउंटिंग व्यू से क्या है बेटा, पार्टनरशिप फर्म और देयर पार्टनर्स आर डिफरेंट पर्सन, यानी कि यहाँ पे अगर मैं मोहन सोहन रोहन उनकी फर्म थी MSRN एसोसिएट्स, तो अगर मैं बोलूँ पार्टनरशिप फर्म यानी कि MSRN एसोसिएट्स और पार्टनर कौन, मोहन रोहन और सोहन, यही तो थे, सॉरी मोहन और रोहन और ये थे मोहन सोहन और रोहन, तो ये दोनों अलग अलग हैं, MSR अलग है और ये तीनों अलग हैं। किसके एंगल से, अकाउंटिंग के व्यू से। अब वो कैसे हैं वो अभी आपको एक्सप्लेनेशन वन में हम आपको बताएंगे। दूसरा है बेटा लीगल व्यू से। लीगल व्यू से कह रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म है जो MSR है और दूसरा जो मोहन सोहन और रोहन, ये क्या है, सेम है, यानी कि MSR और उनके जो पार्टनर हैं वो दोनों एक ही हैं, सेम पर्सन हैं। ये हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन टू में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ कि अकाउंटिंग व्यू से कैसा। आप समझो बेटा, जब हम प्रोप्रेटरशिप की अकाउंटिंग पढ़े थे 11th में, तब हम उसमें जो हमारा प्रोप्रेटर था, प्रोप्रेटर उसको जो उसकी बैलेंस शीट हम बनाते थे, सपोज उसमें कैपिटल लिखे थे, जो उसने खुद ने पैसा लगाया, इसने जो खुद ने पैसा लगाया ओन मनी, इसको हम एज ए कैपिटल शो करते थे। और कैपिटल आपको पता है किधर आती थी, लायबिलिटी साइड, और ये हमारा एसेट साइड होता है। तो लायबिलिटी साइड में अगर हमने शो किया है, दैट मींस हमने उसको एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया है। किसको, जो प्रोप्रेटर ने पैसा लगाया उसको, यानी कि प्रोप्रेटर ने जितना भी पैसा लगाया हमने उसको एज ए लायबिलिटी शो किया बिजनेस के लिए। क्यों, और हमने क्या माना कि वो बिजनेस का क्या है, क्रेडिटर है, यानी कि हमने क्या माना वो बिजनेस का क्या है, क्रेडिटर है। तभी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर, और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको अलग अलग नहीं रखोगे तो बिजनेस की सही पिक्चर आपके सामने आ ही नहीं पाएगी, राइट। तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ता है कि भाई अगर आप, अगर वो पैसे निकालता है बिजनेस से तो हम उसको ड्रॉइंग्स की फॉर्म में शो कर देते हैं कि उसने बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ किया है, तभी तो विड्रॉ उसको अलग से शो करते हैं हम बिजनेस में। तो इसी, यही तो कॉन्सेप्ट है अपना, ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसी के तहत हमारा ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट था। और लीगल व्यू से अभी आपको एग्जांपल से समझाते हैं। देखो ये रहा पहला है अकाउंटिंग वाला, ये क्या है, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं जो 11th में आपने पढ़े होंगे अलग अलग, तो उसी में से एक कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बोलता है कि ओनर ऑफ द बिजनेस और बिजनेस एंटिटी, ओनर ऑफ द बिजनेस और उसकी बिजनेस एंटिटी यानी कि उसकी फर्म का नाम, बोथ कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्सन, हम इनको अलग अलग मानेंगे। क्यों मानेंगे, दैट इज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम जो बुक्स बनाते हैं ना बेटा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल आप समझो, तो तभी तो देखो, ओनर्स आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि ओनर ने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करी है हम उसको क्या मानते हैं, एज ए क्रेडिटर, तभी तो हम उसको लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं कैपिटल। और कैपिटल इन्वेस्टेड इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि लोन फ्रॉम इट्स ओनर इंस्टेड ऑफ आउटसाइडर, यानी कि जहाँ बिजनेस आउटसाइडर से लोन लेता उसने खुद ने ही पैसा लगा दिया, तभी तो हम उसको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के रूप में शो करते हैं। तो आपको समझ में आया, तो जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये सब पे एप्लीकेबल है। प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो भी हम मानेंगे कि उसका जो ओनर है और जो फर्म है वो दोनों अलग अलग हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो भी हम मानेंगे कि जो इसके ओनर हैं यानी कि पार्टनर हैं और जो फर्म है ये दोनों अलग अलग हैं। और अगर कंपनी है तो इसमें भी हम मानेंगे कि जो इसके मैनेजमेंट हैं ओनर हैं और जो इसके फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, वो दोनों अलग अलग हैं। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस अलग है और उसके जो
जो बिजनेस जो मुकेश अंबानी हैं ये अलग हैं, ये हम दोनों को अलग अलग मानेंगे। तो ये था हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यही तो हमको बताता है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस है और उसके ओनर है दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। राइट, समझ में आया आपको? तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या बोलता है कि एवरी पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली यानी कि विद ऑल अदर पार्टनर एंड सेवरली यानी कि पर्सनली। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे के सारे पार्टनर हैं ना वो मिलके यानी कि ज्वाइंटली विद अदर पार्टनर्स और सेवरली यानी कि पर्सनली भी लाइबल हैं थर्ड पार्टी के लिए। फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाई ही इज ए पार्टनर, हैंस पार्टनर प्राइवेट एसेट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेप्ट। एक एग्जाम्पल से इस बात को मैं समझाता हूँ। देखो अगर मान लो कोई भी लाइबिलिटी है, तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म है और अगर वो कंपनी है, तो पार्टनरशिप फर्म में पता है क्या होगा बेटा, अगर आप कोई लाइबिलिटी पे नहीं कर पाए, मान लो आपके बैंक से आपने लोन लिया और आप अगर लोन पे नहीं कर पाए, कौन? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो उस पार्टनरशिप फर्म, जैसे ये दो पार्टनर हैं हमारे करण और अर्जुन, करण अर्जुन दो पार्टनर हैं और इन्होंने एक फर्म बना रखी है करण अर्जुन एंड कंपनी, करण अर्जुन एंड कंपनी। अब ये इनकी फर्म का नाम है। अब इन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया था और ये मान लो 10 लाख को मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा अमाउंट कर देता हूँ इनके लिए, मान लो 1000 करोड़ का इन्होंने लोन ले रखा है बैंक से इनकी फर्म के नाम से, करण एंड अर्जुन एंड कंपनी, इसने लोन लिया बैंक से 1000 करोड़ का। लेकिन अगर मान लो ये 1000 करोड़ फर्म पे नहीं कर पाई, तो फिर कौन पे करेगा बेटा? ये पर्सनली पे करेंगे, करण। तो क्या करण अगर पे नहीं कर पाया, तो देखो सबसे पहले तो हम फर्म के एसेट यानी कि उसकी बिल्डिंग वगैरह को बेचेंगे, उससे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे भी रिकवर नहीं हुआ, तो क्या सर हम इनके घर भी भेज सकते हैं प्राइवेट? बिल्कुल बेटा भेज सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब कि उनके पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है इनकेस अगर वो पेमेंट नहीं कर पाए तो। यानी कि क्या करण के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनका जो फ्लैट है, क्या उनको आप बेच सकते हो? बिल्कुल हम उसको भी बेच सकते हैं। क्या अर्जुन का मन्नत यानी कि ये हम बेच सकते हैं? बिल्कुल ये भी हम बेच सकते हैं इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। राइट, लेकिन अगर यही केस मैं कंपनी के पास लूँ, तो अगर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस, और अगर मान लो ये ही डेप्ट रिलायंस कंपनी का है 1000 करोड़, तो अगर मान लो रिलायंस कंपनी इसको पे ऑफ नहीं कर पाती, क्यों एंटीलिया को क्या आप बेच दोगे? नहीं बेच सकते बेटा, क्योंकि इस केस में आप पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। राइट, लिमिटेड कंपनी, तभी तो उसका नाम है लिमिटेड कंपनी, रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड मतलब लिमिटेड कंपनी है वो, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि आप जो कंपनी के एसेट्स वेज के जितनी रिकवरी हो सकती है वो आप कर सकते हो, अगर फिर भी रिकवरी नहीं हो पाती तो पर्सनल एसेट्स को आप हाथ नहीं लगा सकते, एंटीलिया को आप नहीं बेच सकते। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो यहाँ पे ये मेन कॉन्सेप्ट था आपका, तो ये था आपका पूरा। यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, अकाउंटिंग के व्यू से तो ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि पार्टनरशिप और उनके जो पार्टनर हैं वो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर इन केस कोई लाइबिलिटी आती है और फर्म उसको पे नहीं कर पाती, तो फिर हम मानेंगे कि वो फर्म और वो पार्टनर एक ही हैं। यानी कि अगर मान लो 3 पार्टनर मिलके काम करते हैं, अमन चमन रमन, और उनकी जो फर्म थी अगर वो पे ऑफ नहीं कर पाती, तो फिर अमन बोलेगा कि मेरे को थोड़ी दिया था लोन, वो तो आपने फर्म को दिया था, फर्म से जाके लो। तो बैंक बोलेगी नहीं भैया, फर्म मतलब आप ही हो, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि उस केस में उनके पर्सनल एसेट्स को भी बेच के हम पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये हुआ लीगल व्यू। लीगल व्यू से हम फर्म को और उनके पार्टनरों को एक ही पर्सन मानेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे बेटा इस लेक्चर में हमने टोटल कितने टॉपिक कवर करे, हमने किया सर सबसे पहले हमने देखा कि पार्टनरशिप क्यों की जाती है। पार्टनरशिप बेटा बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें से पहला है कि भाई हम
अगर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हमको ज़्यादा कैपिटल चाहिए और ज़्यादा लोग चाहिए, तो इसके लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। सर हमारा अलग अलग एक्सपर्टीज है अलग अलग फील्ड में, तो भी हम पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको हमने इलेबरेट करा कि टू और मोर कैपिटल, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है। फिर हमने देखा कि प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट्स ही नहीं है, लॉस को भी शेयर करना है। फिर बिजनेस का मतलब देखा कि बिजनेस होना चाहिए, मेयर ओनरशिप प्रॉपर्टी आपको पार्टनर नहीं बनाती। फिर हमने देखा म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि सभी पार्टनर मिल सारे काम करें या फिर एक ही करें, तो फिर उसमें म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें वो ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है एजेंट और प्रिंसिपल के में। ये हमने इन डिटेल देखा। फिर हमने देखा कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप दो टाइप के होते हैं। अकाउंटिंग व्यू से तो हम उनको हमेशा ही डिफरेंट मानेंगे, चाहे वो पार्टनरशिप का केस हो, चाहे वो प्रोप्रेटरशिप का केस हो, चाहे वो कंपनी का केस हो, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्टनर को और उनके ओनर को एक ही पर्सन मानेंगे। और प्रोप्रेटरशिप में भी सेम ही चीज़ होती है, लेकिन कंपनी में ये चीज़ नहीं होती। कंपनी में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि अकाउंटिंग व्यू से भी डिफरेंट है दोनों, कंपनी और उनके मालिक, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट है कंपनी और उनके मालिक, अगर वो कंपनी का केस है। लेकिन हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको सेम ही माना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन वन और टू समझी एग्जाम्पल के साथ। तो इस लेक्चर में इतना ही बेटा। ये आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप कमेंट करके बताना, और कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई तो आप WhatsApp के थ्रू पूछ सकते हो, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, राइट? आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।